हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आज क्लास 12 का 2024 का पेपर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, रोल नंबर आपको क्या भरना पड़ेगा, रोल नंबर, उसके बाद नेम। तो देखिए, अंग्रेजी का पेपर है, समय 3 घंटे 15 मिनट, अर्थात टाइम आपको कितने दिए जाएंगे, 3 घंटा 15 मिनट, अर्थात रीडिंग से संबंधित आएगा सेक्शन ए में। देखिए, फर्स्ट 15 मिनट दिया है, नोट, फर्स्ट 15 मिनट आर अलाटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर, अर्थात पहले 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए प्रश्न अनिवार्य होगा। इंस्ट्रक्शन में दिया है निर्देश, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, निर्देश होता है। देखिए, फर्स्ट में दिया है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शन, अर्थात ए बी सी एंड डी, यह प्रश्न जो है 4 भागों में डिवाइड किया जाएगा। सेकेंड में दिया है ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न क्या होंगे, अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न क्या होंगे, अनिवार्य होंगे। तीसरा दिया है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, अर्थात सभी प्रश्न चिन्ह प्रश्न के अनिवार्य दिए गए हैं। तो सेक्शन ए में सबसे पहले सेक्शन ए आता है रीडिंग से संबंधित। तो दिया है फर्स्ट में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, अर्थात भाव को पढ़ करके हमको क्या देना है, उत्तर देना है नीचे दिए गए प्रश्नों के। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, द मैन हु राइज लेट एंड कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कवर्स ऑफ द डे, एनी वन हु लाइज इन बेड लेट इज। देखिए प्यारे बच्चों, ये दिया है, इसी का क्वेश्चन आपको नीचे दिया रहेगा। देखिए नंबर ए में क्या दिया है, व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, अर्थात सुबह देर से उठना क्यों आवश्यक है, या सुबह जल्दी उठना, ये 3 नंबर का है, आपको एक करना पड़ेगा जो कि अनिवार्य है। ई में दिया है, क्या दिया है, विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट ऑफ नॉइजी, नंबर एक है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइजी, नॉइजी का अपोजिट क्या है, ये वाला देखिए दिया है ना, विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट ऑफ नॉइजी, पूछ रहा है कि नॉइजी का अपोजिट क्या होगा, ये पूछ रहा है, एक नंबर का है। तो नॉइजी माने क्या होता है, स्वर ध्वनि होता है, नॉइजी माने स्वर ध्वनि होता है, इसका क्या हो जाएगा, वॉइस, क्या हो जाएगा, वॉइस, एक आपको कर देना है, एक नंबर निर्धारित है। अब सेकेंड दिया है, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, बाय बर्निंग मिड नाइट ऑयल, अर्थात रात में तेल जलते हुए से आपका क्या मतलब है, ये आपको लिख देना है, एक नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आइए सेक्शन बी में आते हैं, सेक्शन बी में क्या दिया है, राइटिंग, अर्थात राइटिंग माने क्या होता है, लेखन। तो देखिए, राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल माने क्या होता है, अग्र शब्द, अर्थात आगे के शब्द, राइट माने लिखना है, ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स, अर्थात किसी एक विषय पर, किसी एक विषय पर आपको 100 से 150 शब्दों में क्या लिखना है, अग्रसब आर्टिकल। देखिए 3 दिया है, ए में दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट एट स्कूल, जो कि 10 नंबर निर्धारित है, अर्थात आप खेल को स्कूल में क्या महत्व देते हो। बी दिया है ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग क्या पढ़ते हो। सी दिया है यूजफुलनेस ऑफ़ ए गुड लाइब्रेरी, अर्थात प्रयोगशाला में आप अपने आप को कैसे यूज करते हो। तो आपको देखो 3 दिया है, ऑन वन एनी, देखो 3 में से आपको एक करना पड़ेगा जो कि 10 नंबर निर्धारित है। 3 नंबर में दिया है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स आफ्टर फ्लड इन योर टाउन और विलेज। देखिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा, एडिटर माने से क्या होता है, संपादक होता है, जो कि 10 नंबर निर्धारित है अपने भाव में, आर मतलब अथवा होता है। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अथवा अपने प्रधानाध्यापक, अपने कॉलेज के प्रधानाध्यापक के लिए एक पत्र लिखिए। द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेवरल लेबोरेटरीज इन योर कॉलेज, अर्थात अपने प्रयोगशाला में। सेक्शन सी क्या दिया है, ग्रामर, सेक्शन सी में आपके क्या आता है, ग्रामर। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्यारे बच्चे देखिए दे दिया है कि वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड, जो व्यक्ति उज्जवल, उज्जवल अर्थात जो व्यक्ति उज्जवल चीज़ों को देखता है उसे क्या पुकारता है। देखिए 10 नंबर निर्धारित है, 4 ऑप्शन दिया है, ब्राइटनर, ए नंबर में ब्राइटनर, बी नंबर में ब्राइटन, थर्ड में दिया है ऑप्टिमिस्ट, फोर्थ में दिया है पेसिमिस्ट, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट, ये वाला आप लगा देना, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए द फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स, पूछ रहा है फ्रेज, फ्रेज माने क्या होता है, वाक्यांश या वाक्य, पिक होल्स इन मीन्स अर्थात वाक्यांश का मतलब क्या होता है, तो क्या इसमें लगाओगे आप, टू इंसल्ट समवन, अर्थात किसी की बुराई करना, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
सी दिया है द सिनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस, अर्थात सिनोनिम इंडस्ट्रियस का सिनोनिम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग, ये वाला हार्ड वर्किंग, ये वाला आप लगा देना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिस कॉलेज इज द बेस्ट ऑल कॉलेज विच वर्ड इन सेंटेंस इज एन एरर, पूछ रहा है, इसमें चार ऑप्शन दिया है, पहला दिया है दिस, और दूसरा दिया है द, तीसरा दिया है इन, चौथा दिया है आल, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। और ई में दिया है द एंटोनिम ऑफ सक्सेस, सक्सेस का एंटोनिम अर्थात सफलता का एंटोनिम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, फेलर। फर्स्ट में दिया है फेल, सेकंड में दिया है फेल्ड, थर्ड में दिया है फेलर, फोर्थ में दिया है पास। अब देखिए पाँच नंबर में क्या दिया है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, आपको इस किस में चेंज करना है, डायरेक्ट नरेशन में। सी, तो क्या लिखोगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सी आस्क्ड मी, उसके बाद इफ़ या वेदर, सी आस्क्ड मी इफ, व्हेन, सेल का शुड हो जाएगा, व्हेन सेल शुड ही हेल्प हर, ये वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि दो नंबर निर्धारित है। बी दिया है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एज डायरेक्टेड, क्या दिया है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, फर्स्ट दिया द एनिमी सरेंडर्ड द बैटल वाज ओन, इसको हमको सिंपल सेंटेंस में बनाना है, तो क्या लिखोगे, हमको सिंपल में बनाना है, तो द एनिमी सराउंडेड बैटल वाज ओन। सी में दिया है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, जिसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट में दिया डिड यू सी हिम यस्टरडे, तो ही वाज सीन्ड यस्टरडे बाई यू। उसके बाद देखिए डी में दिया करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, किसी एक वाक्य को क्या करना है, करेक्ट करना है, जो कि दो नंबर निर्धारित है। पहले में दिया है पुअर आर ऑनेस्ट, अर्थात गरीब जो होते हैं वो क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपका, ये वाला पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ई में दिया है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज, अर्थात किन्हीं दो जोड़ों को प्रयोग करके अपने शब्दों में लिखना है। जैसे दिया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना, और एक्सपेक्ट माने होता है अस्वीकार करना, इसको अपने भाव में लिखना पड़ेगा आपको, जो कि दो नंबर आपको निर्धारित है। सिक्स में दिया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, अर्थात ये हिंदी में हिंदी दिया है, आपको क्या करना है, इसका ट्रांसलेट करना है। दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, टू पर्सन्स वर ट्रेवलिंग विद, रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला, रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी इन द रूट, उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर उपयोग की एक थैली मिली, वन ऑफ देम सराय मेट अदर पर्सन्स, दूसरे व्यक्ति ने कहा अदर पर्सन सेड इन रुपयों को बराबर बराबर बांट ले, दीज मनी इक्वल, पहले व्यक्ति ने कहा आस्क पर्सन थैली मुझे मिली है बकेट मी, अतः इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, इज नॉट, इस पर दोनों झगड़ने लगे, क्या करने लगे, झगड़ने लगे। दोनों को झगड़ा करते देखकर पुलिस वहाँ आ गई, क्या लिखोगे, बोथ ऑफ देम क्वारल्ड, पुलिस कम हियर, और थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई, एंड थैली पर्सन्स मेट, तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से अपने साथ देन विद हिज फ्रेंड्स चलने का निवेदन किया, रिक्वेस्टेड टू हिज फ्रेंड, इस पर उसके मित्र ने कहा देन आफ्टर हिज फ्रेंड, यदि इस थैली में मेरा हिस्सा नहीं है, इफ दिस बकेट इज नॉट माई इक्वल, तो के लिए कामा लगाओ, मैं थाने क्यों चलूँ, व्हाई आई गो टू थाने, इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया, सो आफ्टर ही वेंट ऑन हिज टाउन। तो सेक्शन डी में आपका क्या आता है, लिटरेचर माने होता है साहित्यिक। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, अर्थात आपको 40 शब्दों में लिखना पड़ेगा, जो कि 8 नंबर निर्धारित है। व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, अर्थात व्हाट डिड एम हैमेल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज, अपनी भाषा के बारे में, एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, और उसको इतना महत्व क्यों दिया है, आर दिया, आर का मतलब अथवा होता है, एक आपको कर देना है, 8 नंबर निर्धारित है। एंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, अर्थात 80 शब्दों में आपको लिखना है, जो कि 7 नंबर निर्धारित है।
तो डिस्क्राइब डगलास स्ट्रगल अर्थात डगलास के संघर्ष को क्या करिए, व्याख्या कीजिए। व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ अर्थात उन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए क्या किया, ठीक है ना। व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ अर्थात उन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए क्या किया, आपको एक कर देना है जो कि 7 नंबर मिल जाएगा आपको। 9 नंबर में दिया है रीड द फॉलोइंग स्ट्रेट केयरफुल्ली एंड एंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो अर्थात स्ट्रेट फॉलो केयरफुल्ली, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उसको उत्तर देना है, जो कि 6 नंबर निर्धारित है। आंट जिनीफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस स्क्रीन, यही वाला पढ़ के आपको लिख देना है। उसके बाद दे पेस स्लीक चिवारली करटेंटली, 3 दिया है आपको एक करना पड़ेगा, जो कि 2 नंबर निर्धारित है। 10 नंबर में दिया है राइट द सेंट्रल आइडिया था आप एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक पर आपको क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया। माई मदर राइट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी कीपिंग क्वाइट, आपको क्या लिखना है, माई मदर राइट 66, यही वाला लिख देना, जो कि 4 नंबर निर्धारित है। 11 नंबर दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, ये 8 नंबर निर्धारित है। जैसे दिया है व्हाट वंडर्स डिड द अदर रिलाइज अर्थात लेखक को क्या अनुभव हुआ व्हेन ही रीड अंटार्कटिका, जब वह अंटार्कटिका पहुँचा, अपने भाव में लिख देना है 40 शब्दों में, जो कि 8 नंबर निर्धारित है। थैंक यू वेरी मच।